अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। और ये देखें, सुबह हो गई है हमारी और ये रो रहे हैं। हेलो करो, हेलो करो, नहीं करना, इधर तो देखो, ये नाराज़ है और नाराज़ में भी बाई कर रहे हैं। ये अभी सोकर उठे थोड़ी देर पहले और ये मस्त आ रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं ये। ए मुन्ना, मस्तियाँ कर रहे हो? मम्मा के साथ मस्तियाँ कर रहे थे? ये देखें कैसे मस्त आ रहे हैं, बड़ा सुकून मिल रहा है। और आप देखें सायान को, सायान अभी तलक सो रहे हैं। ये देखें, ये मोबाइल गिर गया मेरे हाथ से। और ये दायन देखें अभी तलक झूले में लेटे हुए सो रहे हैं। और ये उठ चुके हैं मेरे बेटे। तो चलें मैं इनका मुंह हाथ धुला देती हूँ जब तक, और फिर इन्हें नाश्ता वाश्ता कराती हूँ। और ये बाय कर रहे हैं कि बाय। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और ये देखें ये मैं दाल लेकर आई हूँ। आज मैं मंगोचे बनाऊँगी। और ये कश्यप को देखे तकिए सेट कर रही है। हेलो करो कश्यप। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की दाल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम बनाएंगे मंगोचे, ये हमारी दाल। और मैं अभी इसको बीन कर भिगो दूँगी और इनसे मिले। ये रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोबाइल मुझे दे दें। पापड़ खा के इन्होंने रेपर भी यहीं फेंक दिया, बिस्किट खाया है पापड़ ने। और ये भी यहाँ लेटे पड़े हैं, इनका मूड ऑफ ही रहता है। हेलो कर लो, नहीं चलो फिर हम जा रहे हैं। डाइस करने आते हैं, डाइस। और अभी हमारी चली गई है लाइट और गर्मी हो रही है बहुत, तो अभी हम ये दाल बीन के भिगो देते हैं। फिर जब पीसेंगे और बनाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। और अभी आप देखें धूप बहुत तेज़ हो रही है बाहर। तो चलें फिर थोड़ी सी देर में मिलते हैं। हेलो जी, मैंने सफाई भी कर ली है और ये कश्यप ट्यूशन का काम कर रही है। कश्यप क्या कर रही हैं आप? काम कर रही हूँ। ट्यूशन का काम कर रही हो? तो चलो जल्दी से कर लो, अभी एक घंटा है आपकी ट्यूशन जाने में, 4 बजने में एक घंटा है। सही है, तेज़ी से आप काम कर लो। और ये देखें मैंने इसको भी नहलाया है, इसके बाल अभी तेल भी नहीं डाला है इसके बालों में। खड़े हो? और हमारी लाइट आज सुबह से गई हुई है, ये देखें अंधेरा हो रहा है हमारे घर में। और ये जयान को नहला कर सोने के लिए लिटा रहा है ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। और रोहान आप क्या कर रहे हो? ड्राइंग बना रही हूँ। ड्राइंग या फालतू काम है? फालतू काम कर रहे हो ना, चलो जल्दी से अपना काम करो ट्यूशन का। सही है रयान, आप क्या कर रहे हैं जी? तंग कर रहे हैं? तेल डलवाओ बाबा से, जाओ सर में तेल डलवा। ये लो तेल की बोतल, लो सर में तेल डलवा लो, जाओ बाबा के पास जाओ, कह रहे सर में तेल डालें बाबा। तो चलो हम अपने किचन में चलते हैं और किचन में देखते हैं क्या हाल है। दाल भी गोई थी हमने, लाइट तो गई हुई है और ये हमारी दाल अभी भीगी नहीं है। ये अच्छी तरह भीग जाए तो फिर हम इसे पीसेंगे, भिगो के रखी है हमने अभी। तो चलें जब मैं दाल भिगोऊंगी पीसूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए आप रहन को, रहन बोर हो रहे हैं क्योंकि आज ट्यूशन की इनकी छुट्टी है। और छोड़ो कश्यप, छोड़ दो छोड़ दो। और रहन की साइकिल हो गई है पंचर और रहन रान परेशान है। रान कह रहे मैं बोर हो रहा हूँ, मेरी बोरियत कैसे मिटेगी। और ये रयान, रयान बैठो। और ये देखे रान से मिले, रान बात तो करो। हेलो व्यूअर्स, और ये मैं पीसने बैठ गई हूँ दाल को। और मैं इसमें मिलाऊंगी कुटी हुई मिर्चें, नमक और गरम मसाला।
और ये मैं पीस के फिर आपको पकोड़े बना के दिखाती हूँ। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, मैं दाल पीस लूँ उसके बाद फिर पकोड़े बनाते हैं, फिर मिलते हैं। मम्मा पीस रही हैं दाल और मम्मा इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्चें। और ये देखें मम्मा डालने को, ये देखें हम इसमें डाले हैं 2 चम्मच कुटी हुई मिर्चें। हम दो सब अपने हिसाब से डालेंगे और हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये देखें हम नमक भी डाल रहे हैं इसमें। और जब ये हमारी आधी दाल तो पिस गई है, और इसमें हम गरम मसाला भी डालेंगे हम इसमें। और अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए वाइट से मम्मा पीस रही है इसको। अब ये सारी पीसेंगी मम्मा और ये सारी फिर एक साथ ही मिक्स हो जाएगी। ये देखिए वाइट से मम्मा ने पीस ली दाल, दाल सारी पीस चुकी है। और अब मैं इसमें चीज़ें डालूंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मैं इसमें ऐड करूंगी। तो फिर पकोड़े करेंगे हम इसके, मम्मा इसके पकोड़े बनाएंगी और हम बहुत मज़े से पकोड़े खाएंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, हमने दाल जो पीसी थी वो ये ली। और इसमें अब मैं शामिल करने वाली हूँ प्याज, अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो ये सब चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी, फिर हम इनको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और फिर इसके पकोड़े तलेंगे। तो चलें मैं इसको मिला लेती हूँ, उसके बाद पकोड़े तलते हैं। ये देखें जी अब हमारी चली गई है लाइट और ये मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं पकोड़े, तेल में छोड़ दिए हैं मैंने पकोड़े। और ये सीखते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं। इसी तरीके से मैं सारे पकोड़े बना लूँगी। चलें जी, मैंने आटा गूंद लिया है और पहले मैं बना रही हूँ रोटी, फिर बनाऊँगी मैं सालन, क्योंकि पकोड़े मैंने तल के रख दिए हैं, लाइट नहीं है। और फिर मैं थोड़ी देर में सालन बनाऊंगी, जब तक मैं बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि अपना टाइम काम में लगा के रखें। तो हम बना लेते हैं जब तक रोटी, और मगरिब भी हो चुकी है, अजान हो रही है मगरिब की, तो जब तक हम वेट करते हैं थोड़ा, फिर बात बनाते हैं। और ये कुछ बोलना, ये बोल रहे हैं गाइस, ये सही से बैठ गए और पकोड़े खाए इन्होंने अभी, मैंने तल कर जो रखे थे। तो चले मैं बना लेती हूँ पहले रोटी, फिर मिलेंगे। तो मैंने बना ली है रोटी और ये मैंने समेट दिया यहाँ से। अब मैं बनाऊँगी मसाला सालन के लिए। फिर हम पीस लेते हैं प्याज, लहसुन, अदरक, फिर हम बनाते हैं सालन। तो व्यूअर्स मैं तल रही हूँ बच्चों के लिए थोड़े पापड़, और ये आप देख सकते हैं, फिर मैं बनाती हूँ सालन। बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं पापड़। और ये और मैं एक हाथ से ज़रा मोबाइल पकड़ी हूँ और एक हाथ से ये चला रही हूँ, तो मुझे परेशानी हो जाती है। छन्ने को यहाँ रख देते हैं और ये हो गए हैं। तो चलें पापड़ तल के फिर हम करते हैं। तेल गरम है, गया हटो पीछे, और ये हमारा मसाला भुनेगा। चलो अभी हम इस मसाले को भून लेते हैं अच्छी तरीके से। इसमें मैंने डाला है पिसी हुई मिर्चें, पिसी हुई हल्दी, गरम मसाला, लहसुन, अदरक और प्याज।
इन सब चीज़ों का मसाला हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये भून जाता है तो फिर आपको दिखाते हैं। तो मैंने इसमें टमाटर भी डाले। ये देखें जी, ये मैंने सालन तैयार कर लिया है और ये देखें ये भून चुका है। मैंने इसमें पानी डाल दिया, इसमें अच्छी तरीके से खोल भी आ गया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने बनाए हैं पकौड़े, वो सारे इसके अंदर डाल देंगे हम। ये सब इसमें हमने डाल दिए हैं और हम कर देंगे थोड़ी हल्की आंच चूल्हा। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार मंगोचियाँ बनती हैं। आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे भी बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और ये बहुत ही मज़ेदार होती हैं, बड़े मज़े की बनती हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया जो मैंने यहाँ धोने के लिए रख दिया था। और हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और मैं ऊपर से डाल दूँगी इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा है। तो चलें, ये हमारा सालन रेडी हो गया है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए हल्की सी आँच पे रखेंगे, इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा फाइनली सालन बिल्कुल रेडी है। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें हरा धनिया भी शामिल कर दिया है और गरम मसाला भी। अब हम इसको ढक देते हैं और मज़े से खाएंगे खाने के टाइम। हेलो जी व्यूअर्स, हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं और ये देखें ये मज़ेदार सालन। तो ये बच्चे वगैरह सब बैठ गए हैं खाना खाने, और तो जिसको खाना है वो भी आ जाए। मुझे तो बड़े तेज़ भूख लग रही है और मैं खाने बैठ गई हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। और ये कश्यप भी बैठ गई हैं और ये अभी अभी ट्यूशन से आई हैं और टाइम ज़्यादा हो रहा है, 8:30 बजे इनकी छुट्टी हुई है। तो अब हम खाना खा रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं। हेलो जी व्यूअर्स, अब हो गई है रात और अब हम सोने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये बच्चे रो रहे हैं, ये देखें रयान, इनको नींद आ रही है। हेलो कर लो, हेलो कर लो। और इनको बहुत तेज़ नींद आ रही है, ये बोल रहे मुझे सुला दें, तो मैं इनको सुला रही हूँ। तो अगर मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैंने आज मंगोचियाँ बनाई हैं प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोग ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखें इनसे बात कर लो, बात करो, हेलो कर लो, हेलो करो, हेलो करो, जल्दी से हेलो कर दो, हेलो। तो ये कह रहे हैं बाय। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें बहुत सारा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।